प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, मातृशक्ति की हाथ उठ रहे हैं, लेकिन हमारे जो भाई साहब बैठे हैं बुजुर्ग बैठे, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। फिर से बोलेंगे प्रजापति समाज। आज इस जो 700वां वार्षिक उत्सव संत गोरा जी महाराज का मनाया जा रहा है, हमारे प्रधान श्री अयोध्या कुमार मणावा जी की अध्यक्षता में और उनके साथ उनकी पूरी टीम समाज, हमारे समाज के नौजवान बुजुर्ग मातृशक्ति सबको मेरा नमस्कार। आज हम समाज में बैठे हैं तो मैं समाज की बात करूंगा पहले कि समाज का मतलब क्या है। समाज का मतलब है इकट्ठे होना, आपको सबसे पहले इकट्ठे होना है। जो इस मुट्ठी में ताकत है वो उंगली में ताकत नहीं है। तो पहले जो जितना भी हमारा समाज है, हम सबको पहले इकट्ठे होकर अपनी आवाज उठाएं और उसके साथ साथ हमारे समाज के जो भी लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं, अपना प्राइवेट व्यवसाय करते हैं, उनको अपने जीवन में डेली रूटीन में तो काम हम सब करते हैं, जॉब पे जा रहे हैं, शाम को घर आते हैं, सोते हैं, सुबह फिर जाते हैं, लेकिन महीने में दो दिन समाज सेवा के लिए, अपने समाज के लिए निकाल लेते हैं। और जितने हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रजापति समाज के लोगों से मैं बोलता हूँ कि संडे का दिन महीने में एक दिन यहाँ भी आए। जो हमारे चेयरमैन यहाँ पर बैठे हैं, वो महीने का एक दिन अपने जो एरिया के 8-10 लोगों को लेकर आए, एक सिस्टम बनाया जाए यहाँ पे समाज में कि जो सिटी के लोग हैं महीने में एक दिन यहाँ पे आकर सेवा करें, कोई सफाई करे, कोई झाड़ी साफ करे, कुछ ना कुछ यहाँ पर आके बैठे, कोई चर्चा करे। अगर हमारे समाज के स्टूडेंट्स हैं वो भी महीने में, दो महीने में एक बार आकर यहाँ पर जरूर आए। सभा के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है, सारे समाज का डेटा जो है हमारी सभा के पास होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। बड़े सारे लोग हमारे समाज के हैं, नौकरी करते हैं और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन सभा के साथ नहीं जुड़े। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सारा का सारा समाज सभा के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि यहीं से हमारा रास्ता बनता है, आवाज यहीं से उठती है। तो समाज को इकट्ठा करना सभा के सहयोग से, सभा की जो हमारी समिति है उसके सहयोग से हमारी आवाज कहीं पहुंचे तो उस आवाज का मतलब है। अगर सरकार की बात करता हूं मैं, तो सरकार इस समय सभी समाज के लोगों को इकट्ठा लेके चलने की कोशिश कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी हुई। अभी पिछले दिनों सरकार ने ओबीसी समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। 26 दिसंबर की बात करूंगा, पहले हमें यहाँ पर अदर सोशल कास्ट के नाम से जाना जाता, ओएससी कहा जाता, हमें ओबीसी का दर्जा नहीं था, लेकिन इस सरकार ने 26 दिसंबर को बिल लाया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हुए, हमें ओबीसी का दर्जा पहली बार मिला 70 साल। और जब अगला सेशन आया तो सरकार ने ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उसको पंचायतों में और लोकल बॉडी, जिसको हम कॉर्पोरेटर बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, उसमें भी हक दे दिया। आने वाले समय में ओबीसी समाज के नुमाइंदे भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी सीटें भी रिजर्व होगी, हमारे कॉर्पोरेटर बनेंगे, हमारे सरपंच बनेंगे, हमारे DDC बनेंगे, हमारे BDC बनेंगे, हमारे DDC चेयरमैन बनेंगे। सरकार ने आपको एक हक दिया है कि आपकी आवाज़
सरकार के बीच में वहां बैठकर आपकी बात रख सके, क्योंकि पहले हम लोगों के पास ये हक नहीं थे। आपकी बात रख सके, क्योंकि पहले हम लोगों के पास ये हक नहीं थे। देखिए, सब लोग बात करते हैं कि इम्प्लॉयमेंट बड़ी जरूरी है, हमें पहले इम्प्लॉयमेंट में कोटा मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे समाज के नुमाइंदे वहां सरकार में होने चाहिए, जो आप लोगों की बात रख सके। अगर डीसी के पास जाना है तो कारपेंटर उसकी बात सुनेगा, आम आदमी की बात नहीं सुनेगा। डिवकॉम उसकी बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। कोई एमएलए होगा, कोई डीडीसी चेयरमैन हमारे समाज से होगा, तो वो आगे गवर्नर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास आपकी बात रख सकता है और अच्छे तरीके से रख सकता है। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आने वाले समय में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम इस टाइम इलेक्शन में जा रहे हैं, 10 या 12 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। उससे पहले ये सरकार ओबीसी समाज को रिजर्वेशन जो कोटा है वो देने जा रही है। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में जो भी परसेंटेज बनती होगी, 10-12 मार्च से पहले पहले अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और इतने सालों से जो लोगों की डिमांड थी वो पूरी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों से मेरा ये भी आग्रह है कि जो युवा है हमारे, वो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखिए और देखिए कि सरकार इस टाइम सोशल मीडिया पे क्या नौकरियां निकाल रही है। अगर नौकरियों की बात करूं तो पिछले एक दो साल क्या है, काफी सारी डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली है, आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी। सरकार की स्कीम से बड़ी शादी, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन उसके अलावा सरकार ने और भी इंतजाम किए हैं लोगों को सक्षम बनाने के लिए। सरकार ने बड़े सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, सरकार बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वुमेन वेलफेयर कॉर्पोरेशन है, डीएससी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें बड़ी सारी स्कीम्स हैं। हमारे लोग स्कीम्स का पता ही नहीं करते हैं। कश्मीर के लोग हों, पुंछ रजौरी के लोग हों, उनको सबको स्कीमों का पता है, लेकिन हमारे जम्मू के लोगों को स्कीमों का नहीं पता। महिलाओं के लिए बड़ी सारी स्कीम सरकार ने निकाली है। आप लोग आजकल नेट पे हर एक डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम के बारे में दिए जाते हैं, आप घर बैठ के देख सकते हैं। तो बड़ी सारी स्कीमें हैं, उसमें महिलाओं को सब्सिडी दी जा रही है। जितना सरकार अगर आपको लोन देती है उसमें 33%, 30%, 25% सब्सिडी है, मतलब वो बिना इंटरेस्ट के लोन है, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं लोग। और बड़े सारे यूनिट हैं जो लगाए जा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान में 3000 स्टार्टअप थे, आज इस सरकार के सहयोग से 1,17,000 स्टार्टअप है, क्योंकि जो हमारा युवा है वो लोगों को रोजगार दे रहा है।
तो मेरा आप लोगों से यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा समाज जो सभा है सभा के साथ जुड़िए, सभा के साथ जुड़ेंगे समाज तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। जय हिंद जय भारत। श्री केवल कृष्ण जी करंगी शिक्षा के बारे में अपने से पहले आए हैं, अपने समाज के लिए कहाँ आए हैं, पांच मिनट का मौन जो है वो रखिए। मैं अयोध्या कुमार मनावा स्टेट प्रेसिडेंट प्रजापति सभा। आज हम अपने गुरु महाराज जी का 700वां जो है पर्व मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं यहाँ प्रजापति हॉल में। प्रजापति हॉल हमारा जहाँ प्रजापति सभा में है, संत गोरे मार्ग पर ये पड़ता है, डीसी रोड और इंदिरा चौक के दरमियान जो रास्ता है वो हमारा प्रजापति सभा जो है वहाँ पर आती है। तो हम मना रहे हैं ये लोगों की खुशियों के लिए, लोगों के लिए कि भगवान जो है गुरु महाराज हमारे लोगों को खुशहाल रखें, खुशहाली दें, एजुकेशन दें और लोगों को हमारे लोगों को रास्ता अच्छा रास्ता बताएं। जो मार्ग उन्होंने पकड़ा हुआ था वही मार्ग हमें भी वो दिखाएं और हम भी तरक्की करें। हमारी प्रजापति सभा जो है, प्रजापति बरादरी जो है ज़्यादातर अनपढ़ है, अपने बारबरदारी का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे जो लोग हैं ये एजुकेशन हासिल करें और नौकरियां गवर्नमेंट के साथ करें। जो जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम अपने भारतवर्ष को 5वीं जगह पर 3री जगह पर लेके आएंगे, हम कहते हैं कि जैसे मोदी जी ने ये बोला था भाई सबका मान सबका सम्मान करना है, तो हम भी उसी में आते हैं। हम हमेशा हुकूमतों के साथ चलते हैं, हुकूमतों का काम करते हैं, जहाँ भी वो उनको बुलाते हैं हमें वहाँ पर जाते हैं, मदद करते हैं हुकूमत की। और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है हमारी, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है ये भी हमारी मदद करे। जो हमें तंगियां हैं तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की ये लोग भी कोशिश करें ताकि हम खुशहाल हों। मोदी जी के राज में अगर ये गरीब लोग खुश नहीं हुए तो कब होंगे, जब 60% लोगों को 40% लोगों को हिंदुस्तान में मुफ्त राशन मिल रहा है, तो हमारे लिए एजुकेशन क्यों नहीं, हमारे लिए ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं जो हमें भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। आज यहां प्रजापति भवन इंदिरा चौक में प्रजापति समाज की तरफ से 700वां प्रकाश उत्सव संत गोरे जी महाराज का मनाया जा रहा है और इसमें हमारे समाज के प्रधान श्री अयोध्या कुमार जी की अध्यक्षता में ये जो पर्व है मनाया जा रहा है। पूरा समाज जम्मू कश्मीर का जो पूरा समाज है वहाँ के दूर दूर के लोग जो यहाँ पर आते हैं और इस पर्व को खुशी से मनाते हैं। और हमारा जो ये समाज है हमारे संत गोरो जी की बताए हुए मार्ग पे, जो उनकी टीचिंग्स हैं जो उनके शिक्षा है उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है। और हमारा समाज को यही मैसेज है कि देश जो पहले हमारा समाज तरक्की करे, देश तरक्की करे और हमारा समाज पूरा का पूरा जो है वो देश के सरकार को सहयोग करता है और जो भी सरकार हमें काम बोलती है समाज को, समाज मिलजुल कर सरकार का सहयोग करता है। जय हिंद जय भारत।